हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो ये वीडियो में एक्सक्लूसिवली बनाया वीडियोग्राफर जो है, जो ड्रोन यूज़ करते हैं और अपने वीडियोग्राफी के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि वो व्हाट इज़ द स्टेटस नाउ रेगुलेशन के हिसाब से, कि आप ड्रोन कैसे उड़ा सकते हैं, क्या चक्कर है, क्या हिसाब किताब है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, और बाकी जो कैजुअल हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं या एज ए हॉबी, उनके लिए भी है कि अब व्हाट इज़ द स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस, क्योंकि रिलैक्सेशन एक दी गई है माइक्रो ड्रोन्स को, और उसके ऊपर जो लाइसेंसिंग वाला जो फंडा है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ क्या चीज़ है, कि अब पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। पॉइंट टू बी नोटेड कि लाइसेंस अब नहीं चाहिए, ठीक है। एक लाइसेंस का बहुत बड़ा लफड़ा था, वो कह रहे थे कि अगर आप माइक्रो कैटेगरी में आते हैं और लाइसेंस का उन्होंने फंडा डाला हुआ था, लाइसेंस लेने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर था, तो वो काट दिया गया है, नो नीड ऑफ लाइसेंस नाउ। नंबर टू, पर्सनल यूज के लिए अब लाइसेंस के अगर उन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव दिया है, रिमोट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट RTC, रिमोट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलना लेना है आपने, और उस पर भी अभी लाइसेंस काट दिया, ये लगा दिया RTC, ये आसानी से मिल जाएगा, एक दो तीन दिन, दो या तीन या चार दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ये आपको उसमें देखा गया जाएगा कि आपको प्रॉपरली ड्रोन हैंडल करना आता है या नहीं, एंड दैट्स इट, और उसमें कोई ज़्यादा बड़ा तामझाम नहीं है। बट ये अभी RTC दे आर सेइंग कि जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको मिलेगा, बट उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है कौन सा फॉर्म भरना है, क्या फीस होगी, क्या उसका प्रॉपर मतलब उसके ऊपर पूरी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन या नॉलेज अभी डिजिटल स्काइप प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि नो नीड ऑफ लाइसेंस फॉर नाउ, ये एक रिलैक्सेशन है बहुत बढ़िया कि लाइसेंस नहीं चाहिए। वो जो सर्टिफिकेट्स का एक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट का हर एक को मिलेगा, वो भी तब चाहिए, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड, वो भी तब चाहिए जब आप कमर्शियली ड्रोन को उड़ा रहे हैं। अब कमर्शियल ड्रोन उड़ाना और उसमें फ़र्क क्या है, अब मैं एज ए यूट्यूबर अपने पर्पस के लिए या अपनी फैमिली को मैं कैप्चर करता हूँ, तो दैट इज़ ए पर्सनल यूज़, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट पर्सनल कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रहा। कमर्शियल कब है, जब मैं कोई मूवी बना रहा हूँ बहुत बड़े बैनर की, अपने धर्मा प्रोडक्शंस और ये वो, दैट इज़ कमर्शियल, क्योंकि उसको पूरी पब्लिक कमर्शियली वो रिलीज़ होगी, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें जो कमर्शियली उसको यूज़ कर रहा है उसको सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये कमर्शियली आ गई आपकी वीडियोग्राफी, जो सिनेमेटोग्राफी में ये कमर्शियल यूज़ है। इसके अलावा देर आर मेनी इंडस्ट्रीज, जैसे रियल एस्टेट में ड्रोन शॉट्स यूज़ होते हैं, और सर्विलेंस के लिए ड्रोन यूज़ होते हैं, वो भी एक कमर्शियल यूज़ है। उसमें भी जो कंपनी या जो पायलट्स इन्वॉल्व हैं, सॉरी, जो ड्रोन ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, उनके लिए वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ कमर्शियल पार्ट। अब वेडिंग फोटोग्राफर्स पे आ जाते हैं, आप लोग वेडिंग वीडियोग्राफर्स फिलहाल आप निश्चित हो जाएं, देर इज़ नो नीड, क्योंकि अभी एज सच क्लैरिटी वहाँ पर भी नहीं है कि सर्टिफिकेट लेना कैसे, ठीक है। वो जब आएगी मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, उसमें भी घबराने की बात नहीं है। एट प्रेजेंट आप उसको अपने ड्रोन के यूज़ को पर्सनल माने, और उसको एज इट इज़ आप अपना बेझिझक आप कर सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन फ्रॉम द DGC आ गया कि माइक्रो कैटेगरी तक लाइसेंस नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट का उन्होंने बोला है, अगर आपके इसको वो कमर्शियल में लेते हैं, वैसे मेरे हिसाब से इतना बड़ा आपका है नहीं कि वो कमर्शियली उसको बोला जाए, तो इन केस अगर ये क्लॉज आता है कि ये कमर्शियल यूज़ है, तब आप सर्टिफिकेट ले लें। बट अभी वो दूर है, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ क्लैरिटी उसमें नहीं आई, कहाँ से मिलेगा, कितने मतलब व्हाट विल बी द सिलेबस, क्या फीस रहेगी, ऐसा कुछ अभी कहीं पर भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा मैं अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल आप बेधड़क बिंदास उड़ाएं, बट रेगुलेशंस को फॉलो करें, किसी अनसिक को मतलब अनसिक जो नया है बंदा, उसको ड्रोन मत दें ऑपरेट करने को, जो ट्रेंड है जिसको थोड़ा नॉलेज है वही उसी को ड्रोन, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में, शादियों में काफ़ी पब्लिक होती है, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये मेरी आपको हिदायत है, जो एक्सपीरियंस बंदा है वो, और आप एक्सपीरियंस हैं, आई नो काफ़ी वीडियोग्राफर्स देखे हैं, दे हैंडल इट वेरी नाइसली, तो बस एक्सपीरियंस बंदे को एक या दो बंदे स्पेशलाइज रखें जो सिर्फ ड्रोन को हैंडल करें और सेफली हैंडल करें, दैट्स इट। एंड फॉर नाउ नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। माइक्रो कैटेगरी में हमारे सारे ड्रोन फैंटम, मैविक एयर, मैविक टू, सब मैविक प्रो आ जाते हैं, सो नो नीड टू पैनिक। तो आप बिंदास ड्रोन उड़ाएं, और जब सर्टिफिकेट का कंपल्शन आएगा फॉर दिस वेडिंग वीडियोग्राफी, मैं अपडेट कर दूंगा आपको, और कैसे करना है, क्या दिन का प्रोसीजर है, मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया, ज़्यादा तामझाम नहीं है, एक दो दिन की ट्रेनिंग होगी,
उसमें बस ये हैंडलिंग दिखाई जाएगी और वो आपको आई थिंक एक्सपीरियंस अच्छे से आती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। सो दिस इज इट, ये रिक्वायर्ड काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था कि वीडियोग्राफर्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, तो मैंने आपको बता दिया। तो सर्टिफिकेट की जब बात आएगी आई विल रिलीज वीडियो अगेन। बस बने रहे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।